हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का पेपर। उसमें से केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करेंगे एन एस सी जे एस का। ठीक है, करें शुरू। पहली बात, मुझे पहले ये बता दो, पेपर पैटर्न से तो तुम लोगों को पता है ना पेपर पैटर्न कैसा आता है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट के? 20 ईच। उस 20 में से बच्चे 16 क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एमसीक्यू, सिंगल चॉइस। अब जो 4 क्वेश्चन बचते हैं वो होते हैं मल्टी करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं उसमें। हम आज 2022 में क्या पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चन था, और उस तरह से पूरा टॉपिक कि उसका क्वेश्चन का रेलेवेंस कहाँ से है, कैसे पढ़ा जा सकता है वो क्वेश्चन, वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा एक पेपर देख के कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो तुम्हें एक चीज और पता लग जाएगी क्वेश्चन से कि जो क्वेश्चन आया है ना उसके लिए मुझे चैप्टर क्या पढ़ना है। राइट, उसका चैप्टर, उसका टॉपिक वो समझ आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हमें पता लग जाता है ना कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, इस टॉपिक से आया है, ताकि हम अपना वो टॉपिक जब पेपर देने जाएं पक्का करके जाएं। ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीवाईक्यू करते क्या, यही तो बेनिफिट होता है। पीवाईक्यू से हमें एक एनालिसिस से पता लग जाता है कि वो किस चैप्टर से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चैप्टर के किस टॉपिक से वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस गिव्स अ ब्रीफ आइडिया। हमें एनएससी जेएस का भी यही आइडिया आज लेना है। ठीक है, करें शुरू। चलिए, पहला क्वेश्चन जो एनएससी जेएस में 2022 के पेपर का क्वेश्चन है, देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अपने अपनी नोटबुक्स में करेंगे सब, मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा। डी। ओके, देखो पहली बात, जो ये क्वेश्चन है इसमें दिया है एक एसिड। चेक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि हाँ ये एसिड गिवन है। एसिड है बेटा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना। इसका नाम क्या है? कार्बन। कार्बन तो ये रहा, कार्बन थोड़ी है इसका नाम। देखो अगर मैं बात करती हूँ, मैंने कहा ना हम चीजें डिस्कस करेंगे पूरी इसके बारे में। इसके बारे में मैं बात करती हूँ, ये ग्रुप जो प्रेजेंट है COH ग्रुप प्रेजेंट है। जब भी किसी कंपाउंड में आपको ये COH ग्रुप मिलेगा इसका मीनिंग है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है इसमें? एक। अगर एक कार्बन होता है तो जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं वो होता है मिथ। क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट इसमें जो हुआ वो मिथ। अब इसमें बच्चा देखो कितने बॉन्ड क्या है कार्बन का? सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब मिथ इन प्लस जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है ओइक एसिड। क्या यूज किया जाता है? ओइक एसिड। तो मिथ इन प्लस ओइक एसिड, तो ये क्या है? मिथेनोइक एसिड। क्या बना? मिथेनोइक एसिड। देखो मिथ इन ई और ओ दो वोवल है, साथ में लिखोगे दो वोवल साथ में आएंगी, तो जब भी दो वोवल साथ में आते हैं तो जो ये पहला वोवल है ये ओमिट हो जाता है। तो इसको जब कंप्लीट लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेथ इन ओइक एसिड। तुमने पढ़ा होगा ना एसिड बेस में से फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। जब चींटी काट जाती है हाथ पे तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड ना, पढ़ा है ना फॉर्मिक एसिड, वही तो है ये फॉर्मिक, इसका कॉमन नेम है। समझ गए रूल्स? एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, ये सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रूल्स तुम्हें आईयूपीएससी में लिखवाए जाएंगे। ब्यूट, हाँ
हाँ ब्यूटेन सुना है तुमने? सुना होगा ब्यूटेन एक गैस होती है C4H10, ठीक है ना। मीथेन गैस होती है CH4, मतलब CH4 जब तुमने सुना होगा, CH4 में कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना। तुमने सुना होगा इथेन, क्या 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 मुश्किल लगाया तो मैंने, वही क्या सेट क्लियर। इसी का आपका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। इतनी बात समझ आई इस कंपाउंड के बारे में? ये बात तो हमें समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं वापस। क्वेश्चन ने कहा जब इसको मैं पानी में डालूं, तुमने एक चीज पढ़ी है एसिड जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कोई एच ए एसिड है, चेक, अगर मैं उसे पानी के अंदर डालती हूँ तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एच प्लस एक्वस प्लस ई माइनस एक्वस, यही आयन बनते हैं ना एसिड के, ये पढ़ा था हमने। तो देखो अब अगर मैं इस एसिड की बात करूं, क्वेश्चन में क्या दिया? आपके पास ये बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है, क्या ये बॉन्ड टूटे, क्या ये बॉन्ड टूटे या ये बॉन्ड टूटे, ये तो बताना है। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ मैंने कहा एच प्लस रिलीज होता है, एसिड रिलीज एच प्लस इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो कि मैम यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, मैम यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, दो जगह हाइड्रोजन है, क्लियर, दो हाइड्रोजन है, ये टूटता है ये नहीं टूटता। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो जुड़ा है हमेशा उसका ब्रेकेज होता है। नाउ ऐसा क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्यों? तुमने पीरियोडिसिटी पढ़ ली? मैंने तो पढ़ा दी, वहां हमने पढ़ा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, है ना बेटा, कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो बॉन्ड है ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, इसको तोड़ना इजी है, पहली बात। अगली बात लिख लिया ना, हटा दो ना ये वाला। तो देखो अगली बात कि जब ये टूटेगा, मैंने कहा जब इसको किसके अंदर डालोगे? वाटर के अंदर, पानी, चेक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? एच सी ओ नेगेटिव, और इस एच प्लस को कौन ले लेता है? वाटर। इस एच प्लस को कौन ले लेता है? वाटर। जब वाटर ले लेता है तो क्या बनता है? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन प्लस H3O पॉजिटिव। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये क्या स्टेबल है जो बना? ये एसिड है बेटा, ये एसिड है, जब ये एच प्लस दे देता है तो जो ये बनता है ये होता है इसका कंजुकेट बेस, ये बताया था ये इसका क्या होता है? कंजुकेट बेस। अब देखो क्या ये स्टेबल है? हाँ ये स्टेबल है, कैसे? एक माइनस एक प्लस, ऐसे थोड़ी होता है, एक माइनस एक प्लस, यहाँ यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तुम्हें पढ़ाया जाएगा एक टॉपिक रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? देखो जरा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर सकता है इस बॉन्ड पे, जब ये यहाँ मूव कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इससे क्या होगा? इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो इसका क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब क्या होगा? जब ये बॉन्ड मूव किया तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल बॉन्ड
जब ये पाई बॉन्ड मूव किया तो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए तो उस पर नेगेटिव आ गया। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ। क्लियर? मतलब बात वही है, पर उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो घूम सकता है ना, मतलब स्टेबलाइजेशन कर सकता है कम्प्लीटली। आई वॉन्ट से कि ये कम्प्लीटली ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है, यहीं पे नहीं बैठा, ये डीलोकलाइजेशन कर सकता है, समझे। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन क्या हो जाते हैं स्ट्रक्चर, स्टेबल। इसीलिए बोला जाता है कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए और साइड में क्या हो, एडजेसेंट एटम के साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो, डीलोकलाइजेशन होती है, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगी, वहां पे नेगेटिव चला गया, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा, वो डीलोकलाइज हो गया, इसीलिए क्या हुआ, स्टेबिलिटी आई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट नहीं हुई। बात समझे, क्या बात क्लियर है? तो ऑलवेज रिमेम्बर कि डीलोकलाइजेशन और आई कैन से रेजोनेंस से क्या आती है, स्टेबिलिटी। तो हम कहें कि ये क्या है, इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्या बात समझ आई? और ये कहां पॉसिबल था, सिर्फ जब वो डी टूटेगा। इसीलिए जब ऐसे एसिड्स होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, एच प्लस, और कौन सा, जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। क्लियर हुई? तो आंसर क्या आना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, समझ गए? हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो आंसर, ए ऋषभ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दीजिए सब, कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताओ, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन ने कहा हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है और कोबाल्ट है, चार एलिमेंट दे रखे हैं। इसने कहा इन चारों एलिमेंट में हमें बताना है किस एलिमेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन कितने ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। अच्छा जरा ध्यान से यहाँ सुनो फिर, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की और कार्बन की, चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन मैंने वैसे नहीं पूछी 281 वाली, 1s1। हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर है 1, तो कॉन्फिगरेशन इज 1s1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन इसमें कभी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं आते। सही लिखा है? पक्का सही लिखा है? तुम्हें ऐड करना भी नहीं आया? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। ठीक है, जो ये ऊपर लिखे मैंने, ये क्या लिखे मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो लिखे। अगर तुम्हें 6 नहीं पता लग रहा, ये देख लो ना, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6, समझ गए? अच्छा ठीक है, चलो इसे बंद कर दूं। देखो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन और कार्बन की, सबसे पहले हमेशा याद रखना हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तुमने देखा होगा हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ भी बनाती है हाइड्राइड्स, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड्स होते हैं, मेटलॉइड के साथ भी कंपाउंड होते हैं। मतलब हाइड्रोजन तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हर किसी के साथ कंपाउंड बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो कॉन्फिगरेशन है ना, इतना ईजी है
कि ये ले भी सकती है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, इट्स वेरी इजी फॉर हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके मिलते हैं? हाइड्रोजन के, पहला। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब N1 सबसे ज्यादा। चेक, अब N1 सबसे ज्यादा मतलब ए या बी, ना तो सी ना डी। ठीक है, अब तुम पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे भरी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड पढ़ने हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के ही तो कंपाउंड है सिर्फ। अब तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि जो कार्बन होता है वो एलिमेंट वर्सेटाइल नेचर शो करता है, क्यों? उसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन बोले तो एक वर्ड, मैंने ध्यान देना, मैंने एक वर्ड बोला कैटेनेशन, ये क्या होता है? तुमने देखा होगा कहीं पे कार्बन जो होता है ना बच्चे, वो खुद के साथ ही जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाता रहता है। मैंने क्या कहा कि देखो कार्बन, अभी हमने जो मॉलिक्यूल पढ़े, कार्बन की प्रॉपर्टी है वो खुद के साथ ही जुड़ना शुरू कर देता है। फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, देखिए कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बोलते हैं, कि कार्बन अपने आप दूसरे कार्बन से जुड़ के बहुत लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाता रहता है। तो हाइड्रोजन के बाद किसके कंपाउंड मिलते हैं सबसे ज्यादा? कार्बन के। अब दो रह गए, क्लोरीन और कोबाल्ट। अगर मैं बात करूं क्लोरीन और कोबाल्ट की, क्लोरीन और कोबाल्ट की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन इज 3s2, 3p5 हो गई ना, ग्रुप 17 का एलिमेंट है ना 3p5। डी को पी में शिफ्ट नहीं करते, वहां पे एस को डी में शिफ्ट करते हैं। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 7 वैलेंस होते हैं ना। अब देखो इसकी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कंपाउंड्स बना ले। अब जब तुम कोबाल्ट की बात करोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। अब जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होती है? अच्छा इस तरह लिख लेते हैं, पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आगे 4s2, 3d, 3d8। काउंट करना 3d8 करके कितने आएंगे? 20 तो हो गए, साथ साथ ही तो रह गए। चेक, ऐसे भी लिख देते हैं ना इसे। देखो ये जहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है? आर्गन की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नोबल गैस आर्गन है, मतलब इसको इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4s2 या 3d7 4s2, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बट मोस्टली ना इसी के लिखते हैं। लिख सकते हैं इसको भी ऐसा, लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को 3s2। ठीक, बात समझ आई? नोबल गैस की टर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ उठते हैं, क्लोरीन और कोबाल्ट में से ज्यादा कंपाउंड किसके? आंसर इज क्लोरीन, कोबाल्ट के नहीं होते। ऐसा क्यों? कोबाल्ट के अंदर तुमने ध्यान से देखो क्या एंटर कर गई है, ये डी एंटर कर गई, डी ऑर्बिटल। अब जहां ही डी ऑर्बिटल एंटर करेगी तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका बॉन्डिंग, यहाँ पे तो डी है ही नहीं। बात समझे? मतलब ऐसा होता है
जितना इजी इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना हो वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ तुमसे फॉर एग्जाम्पल मेटल्स की, ग्रुप वन के मेटल्स की, ग्रुप वन के मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का, राइट? ग्रुप वन के मेटल्स का नेचर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो वेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तुम्हारी आयनाइजेशन डिक्रीज कर रही थी, ये तुमने पढ़ा है पेरियोडिसिटी में। तो उनका रिएक्टिविटी मीन्स उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ता है। बट अगर मैं तुमसे बात करूँ ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल होते हैं, नॉन मेटल है ना, क्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन वाली, लिख के बताओ मैंने क्या कहा। सुन लो, यहाँ सुन लो, मैंने यहाँ से उड़ जाएगी ये बात वरना। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन क्या, 1s2, 2s2, 2p5। नियोन है 2p6, तो नियोन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मींस दे गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नोन एज देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पढ़ाया है, क्लियर? अब टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो ना, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस नेगेटिव होता जाता है। क्या होता जाता है, मतलब साइज बढ़ रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, चेक? मतलब वो कम हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इनके केस में अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, बट अगर मैं मेटल्स की बात करूं इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्या करते हैं, लूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये। टॉप टू बॉटम आ रहे हो, साइज बढ़ता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए वो कम हो जाती है। तो मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को देना इजी है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगी। समझ गए मेरी ये बात, समझ गया कि रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, आइदर ऑन देयर बिहेवियर, कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनकी कॉन्फिगरेशन पे। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है सीसीएम, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इतना क्लियर हो गया? एक बार इसका आंसर लिख ले फिर बताते हैं, ठीक है? तो N1 फिर N2 फिर N3 फिर N4, N1 N2 N3 N4, ऑप्शन क्या आ गया बेटा, क्या ये बात क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। अब EN मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की है, ये लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में EN क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN बोलते हैं। क्या होती है, देखो अगर मैं कहूँ दो एटम है, ये एक बॉन्ड से जुड़े हैं, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर ये बॉन्ड से जुड़े हैं तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में। अगर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन है दो, एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, सेम क्यों हो सकते हैं, डिपेंड करता है बॉन्ड कैसा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक देगा दूसरा ले लेगा, जब कोवेलेंट बनेगा तो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, एक इसका एक इसका, समझ गए? टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पढ़ोगे सारा। अब देखो मैंने कहा दो एलिमेंट है ए और बी, मैंने कहा अगर बी की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो बी क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और ई पे कैसा चार्ज आ जाएगा? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, इन अ केमिकल बॉन्ड, उसी को क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर HF की बात करती हूँ तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? फ्लोरीन की तरफ। पूरा बॉन्ड थोड़ी टूटता है, डिस्प्लेसमेंट है कि ये दो इलेक्ट्रॉन पहले बीच में थे, अब यहाँ आ गए कुछ, ठीक है? तो इससे फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। साइज का भी तो डिफरेंस है ना, न्यूक्लियर चार्ज का भी तो डिफरेंस है ना। फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाओगे, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, जितना बड़ा साइज न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। मतलब अगर न्यूक्लियर का वो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को उतनी टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा ना? तो फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का बड़ा, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को? एटम का साइज छोटा हो रहा है ना बेटा, तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज भी तो होगा, समझ गए? इसीलिए टॉप टू बॉटम जब तुम मूव कर रहे हो तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चले। चल दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई कैन से लेड तो रेडियो एक्टिव नहीं होता, हमें ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था उसने। इसमें ना मुझे किसी डाटा की जरूरत है, ना मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है, मुझे अगर पता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, कि इस तरह के क्वेश्चन भी एनएससीजेएस पूछता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। कि क्वेश्चन बोला, हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड विच डज नॉट शो रेडियो एक्टिव नेचर, बिस्मिथ रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है, हमारा टेक्नीशियम रेडियो एक्टिव होता है, एंड ये नेपच्यूनियम भी रेडियो एक्टिव होता है, सिर्फ लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं होता। इसमें क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे जरा ये बता दो जो लेड है वो किस फैमिली का एलिमेंट है? कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना? तो ये कार्बन फैमिली का है, ऐसे होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, राइट? तो लेड रेडियो एक्टिव नहीं होता, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ग्रेफाइट नेचर में पाया जाता है, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो मतलब ये किसने कहा तुम्हें लेड से ग्रेफाइट बनता है? ग्रेफाइट कार्बन का एक फिजिकल फॉर्म है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है, NH2CONH2। अच्छा, NH2CONH2 मैं लिख देती हूँ, रुक जाओ, NH2CO। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो तुम लोग सोल्व करके देखना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे, एटलीस्ट ट्राई, मैं कराने के लिए तो मैं हुई। क्वेश्चन पढ़ो कि 1 किलोग्राम ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन है 0.2, उसको डाइल्यूट कर दिया 5 किलोग्राम, इनिशियली कितना था 1, फाइनल कितना हो गया 5 किलोग्राम, मतलब 4 kg क्या डाल दिया? पानी डाइल्यूट करने का मीनिंग यही है, वाटर से डाइल्यूट किया, क्योंकि वो एक एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट पानी हुआ। अब देखो आगे कहा उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज, आपका जो सॉल्यूट है बेटा, मुझे जरा ये बताएं सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, क्लियर है इतनी बात? कि सॉल्यूट यहाँ यूरिया है, सॉल्वेंट आपका पानी है, इतनी बात हमारे माइंड में आ गई कि सॉल्यूट यूरिया, सॉल्वेंट पानी। तो हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालना है क्वेश्चन में, वो यूरिया का निकालना है, क्लियर है हम इस बात पे? कि टू फाइंड जो मुझे करना है, मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन,
आहा, बाद में तुमने पहले वो जो दिया वो उसने 1 kg में दिया। अब उसने कहा इसको मैंने फर्दर डाइल्यूट करके 5 किलोग्राम बना दिया, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा इस सॉल्यूशन? अच्छा, तुमने तुक्का भी मार दिया। जरा करके देखना थ्योरेटिकल तुक्का, करके देखो, करो, चलो करो करो, निकालो एक बार। कॉम्पिटिटिव में ना तुक्केबाजी नहीं चलती, पता है ना? करें, करना चाहोगे? ट्राई करना चाहोगे? करो। मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। थोड़ी हेल्प मैं कर देती हूँ। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, मतलब मैं कहूँ अगर टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो सॉल्वेंट का कितना आ गया? 0.8। इतनी बात समझ आई? मास भी निकला। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ देख लो। अब मैंने कहा बेटा यहाँ देखिए, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है 1। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मुझे किसका दे रखा है? यूरिया का। सॉल्यूट है वो 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया? 1 - 0.2 कितना आएगा? 0.8। इस बात में किसी को भी दिक्कत हुई? नहीं। अब टोटल मोल्स यहाँ पे 1 ले सकते हैं। टोटल मोल्स 1 लूं तो यही क्या हो गए? इसके मोल्स हो गए, यही मैं लिख सकती हूँ, यही बराबर होंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, एंड यही बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि एन टोटल 1 ले लेंगे ना। क्लियर? अब देखो हमें मोलर मास ऑफ यूरिया क्या पता है? क्या निकाल ले? ये यूरिया होता है, ये क्या होता है? यूरिया NH2CO NH2। अब इसका जब मोलर मास निकालोगे, कितने नाइट्रोजन है? 2। 2 नाइट्रोजन है, 16। वेरी गुड। तो 14 × 2 प्लस कितने कार्बन है? 1 प्लस 12 कितने ऑक्सीजन है? 1 प्लस 16 कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 प्लस 4 × 1 टोटल निकालोगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, दिस इज 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, 60। चेक, ये बात समझ आई? एंड सिमिलरली मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 16 प्लस 2, 18 ग्राम पर मोल। ये याद है सबको, ये पता है। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होती है। तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ मास ऑफ यूरिया, वो 0.2 मल्टी, मास निकालना है तो मतलब नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, मास निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास ऑफ यूरिया कितना हुआ? 0.2 × 60, तो 12 ग्राम आ गया। सिमिलरली मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 18 × 0.8 कितना आएगा? 144, 14.4, 14.4 क्योंकि डेसिमल है ना, 14.4। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो तुम्हारा मैं बोलूं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ बेटा? दिस 12 प्लस 14.4, 26.4 ग्राम। दिस विल बी इक्वल टू 26.4 ग्राम। इस 26.4 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है? 12 ग्राम।
और तुम्हें यहाँ पे कितना मास दे रखा था सॉल्यूशन का, 1 किलोग्राम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 26.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कितना है, 12 ग्राम यूरिया। क्या ये बात समझ आई मेरी? टोटल सॉल्यूशन इतना, इसमें कितना यूरिया था, 12 ग्राम, इसमें 12 ग्राम यूरिया था। तो 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम, तो इस 1000 ग्राम में कितना यूरिया निकल कर आएगा, 12 डिवाइड बाय 26.4 × 1000 कितना निकल कर आएगा, मैथ्स अप्रोक्स 454.5 आएगा। कैलकुलेट करेंगे ना, तब 454.5 ग्राम यूरिया। ठीक है बेटा, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया जब उसने डाइल्यूट कर दिया, 5 किलोग्राम, मतलब 5000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये पता है हमें। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 5000 ग्राम। तो सॉल्वेंट निकल आएगा, सॉल्यूट इज यूरिया, सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्वेंट निकल आएगा, वाटर का मास सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या बेटा बताओ। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल से निकलता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ, अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालूं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मास के टर्म में हम मास फ्रैक्शन थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो मोल का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। बात समझ आई, गलती से भी गलती नहीं करनी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल आएगा, 5000 माइनस 454.5, ये कितना आएगा निकल के, माइनस कर, ये निकल कर आएगा 4545, 4545.5 आ रहा है, 4545.5 ग्राम। कर लेना माइनस, मैथ्स तो आती है, इतनी मैथ्स में तो मेरी हेल्प क्या लोगे, इसमें तो तुम ज्यादा एक्सपर्ट होगे। क्या ये बात समझ आई यहाँ तक, क्या यहाँ तक बात समझ आई? मतलब अगर मैं बोलूं ये मेरा क्या है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका मास है, यूरिया का, ये किसका मास है, वाटर का, वाटर है ना सॉल्वेंट, यूरिया के 7.5। क्या इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिंपली क्या किया, मोल फ्रैक्शन पता है, मोल्स पता है, मास निकाल दिया, टोटल सॉल्यूशन में निकाल दिया यूरिया कितना है, और उसे सॉल्वेंट निकाल लिया। अब हमें तो मोल फ्रैक्शन पे जाना है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे जाना है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, देखो इसी का अगला स्टेप अगर मैं कहूं तो मेरे पास मास ऑफ यूरिया कितना निकल कर आया बताना, 454.5 है ना, 454.5 है ना चौरे। मास ऑफ वाटर कितना आया माइनस करके, 4545। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना निकल आएगा, मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय इसका मोलर मास, मतलब 454.5 डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करूं, मोलर मास कितना होता है, अभी निकाला 60 ग्राम पर मोल, मतलब ये ग्राम में ये 60 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7.5 समथिंग, यही आ रहा है सबका, कैलकुलेट करो। अरे नोटबुक खोल के लिखना भी होता है, 7.5 मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल आएंगे, मतलब 4545.5 ग्राम किससे डिवाइड करूं, मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये कितना निकल आया बता दो,
मैथ में तो तुम फास्ट हो, 252.5 की अप्रोक्स आएगा ना निकल के, 252। क्या ये बात क्लियर है? सिंपली क्या किया, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल दिए। अब मुझे जो निकालना था वो निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या हम रख सकते हैं वैल्यू सिंपली? अब तो बिल्कुल सिंपल रह गया, 7.5 प्लस 252.5 कितना निकल कर आएगा आंसर, 0.029 है ना। हाँ तुम्हारा तुक्का ठीक लगा था, 0.029, बट तुक्का सही नहीं, तुक्के नहीं लगाने, वहां नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई लॉजिक नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बेटा कोई लॉजिक नहीं था। मैं एग्जाम में जब भी कॉम्पिटेटिव हो तुक्के से नहीं चलते, नहीं आता तो छोड़ दो, आई एडवाइस नहीं आता छोड़ दो। और कहीं वो तुक्का गलत हुआ, तुम्हारा पॉजिटिव +4 देने की बजाय -1 करा गया, तो जो तुमने चार, एक सही, तुमने चार में तुक्के लगाए तो -4 हुआ, और तुमने वो कहीं एक सही कर दिया हो, +4 आना था वो भी गया। मैं तो वो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो भी चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग, जहां पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो ना वहां डाउटफुल नहीं चलता, आया? हाँ सिंपल, समझ गए? नेगेटिव मार्किंग का कोई भी एग्जाम दोगे कभी तुक्का नहीं लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या वो क्वेश्चन क्लियर था? अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन पढ़ो। निकिल फॉर्म्स अ गैशियस कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला NiCOX, क्या बनता है? NiCOX का एक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन में कहा इसने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर मीथेन डिफ्यूजेस 3.24 टाइम फास्टर देन द कंपाउंड। सिंपली सिंपली क्या करना है, देखो इफ्यूजन लिखा है, तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर कराया था, स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस लो कराए, वहां पे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन कराया। तो जब हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन है, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या बोलता है तुमको, कि R1 / R2, कोई दो गैसेस हैं जिनका रेट, एक का इफ्यूजन का रेट R1 तो दूसरे का R2, तुम्हें बोलता है ये कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी d2 / d1, ये बताया है। और तुम्हें जब आइडियल गैस लॉ बढ़ाया होगा तो तुम्हें वहां बढ़ाया, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, यही होती है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, मास बाय मोलर मास, तो मतलब PV = mass / molar mass × RT, ठीक यही होता है। अब मास बाय मोलर मास, अगर मैं मोलर मास को वहां ले जाऊं और वॉल्यूम को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगी, तो P × molar mass = mass / volume × RT, और ये मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी होती है ना। तो तुम्हारा एक इक्वेशन तुमने लिखा होगा PM = dRT, ये डी क्या होती है, डेंसिटी, इससे वही करा रही हूँ मैं, सिर्फ इससे बता रही हूँ कैसे आएगा। ये बात पता है ना कि डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे आई हैव टू रिप्लेस डेंसिटी, तो मैं किससे रिलेट कर दूं, मोलर मास से, मोलर मास तो मुझे पता है ना।
निखिल का जो मास होता है आपका 58.7, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एम टू बाई एन वन। क्या ये फॉर्मूला समझ आया क्यों लिखा जाता है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास की। इसीलिए जब डेंसिटी की वैल्यूज हमें नहीं गिवन है तो हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं, मोलर मास की। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कि यहाँ पर जो है मिथेन इफ्यूज करती है 3.24 टाइम फास्टर देन कंपाउंड। मतलब मैं लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिथेन बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NiCOX, उसकी वैल्यू कितनी है, 3.24, दैट इज इक्वल्स टू 3.24। वो किसके बराबर है, मोलर मास ऑफ NiCOX डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH4 मीथेन। क्लियर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एम टू बाई एम वन, आर वन बाई आर टू, एम टू बाई एन वन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी, फॉर्मूला समझ आया, यहां तक क्लियर है? अभी अंडर रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दूं। हाँ, तो वही तो हुआ बेटा, अगर मैं मिथेन की बात करूं तो मतलब मिथेन का जो रेट है 3.24 टाइम इसकी होगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.24 इंटू रेट ऑफ NiCOX। तो रेट अगर इसका एक्स है, क्या ये बात क्लियर हुई? फास्टर का मीनिंग क्या है कि इसका अगर एक्स है तो उसका 3.24 एक्स होगा, मतलब इसके रेट का 3.24 टाइम्स होगा। आगे करें, अब तो कैलकुलेशन है इसके में, तो कि रूट हटा के स्क्वायर कर दूं, तो ये 3.24 का स्क्वायर अप्रोक्स कर सकते हो, ठीक है, अप्रोक्स कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन में ऑप्शनल है ना, MCQ है 58.7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ NiCO ऑफ एक्स डिवाइड बाय मीथेन का कितना निकल कर आएगा बताना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, तो 16 निकल आएगा, 16 ग्राम पर मोल, 12 + 4 ना, समझ गए, 12 + 4 = 16। तो यहां से जब सॉल्व करोगी तो मोलर मास ऑफ NiCOX कितना निकल आएगा, अरे बहुत बड़ा नहीं आएगा, 167.9 आएगा निकल कर। अरे 3 का स्क्वायर अप्रोक्स 9 होगा, एंड 16 × 9 कितना होता है, 144, ये होता है ना, नहीं 16 × 9 कितना होता है, मुझे कंफ्यूज, 144 होता है ना, तुम मैथ्स में क्यों दिक्कत कर रहे हो। अब 0.2 से और मल्टीप्लाई करो, 2/10 × 16, मतलब 32 समथिंग और ऐड होगा, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, तो ये जो तुम्हारा निकल कर आएगा मैथ से, इसको तो सॉल्व कर ही लेना, 167.96 ग्राम, ठीक है। क्या करना है, सिंपली 3.2 का स्क्वायर इंटू 16 करना है, 58.7, ठीक है। अब ये टोटल कंपाउंड का मास आ गया, तो इस कंपाउंड में क्या है, NiCOX। तो अगर मैं बात करूं मुझे किसका निकालना है, ये सीओ एक्स कितना है ये बताना है, तो निकिल का होता है 58.7 प्लस सीओ कार्बन, ये क्या है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल है, इसका कितना होगा बेटा, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, कितना होगा 28, ठीक है, प्लस 28x बराबर कितना, 167.96। तो यहां से एक्स निकाल सकते हो, एक सॉल्व करके निकालोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 3.9, 3.9 16 × 12 क्यों कर रहे हो,
रुक जाओ, 3.2 का स्क्वायर करना है ना, 32 इंट, मैं मैच करके दिखाती हूँ, रुक जाओ। 10.54 अप्रोक्स आएगा ये, मैथ्स में दिक्कत है। थ्री पॉइंट टू ले लो ना, 3.2 × 3.2 होता है 10.54 अप्रोक्स। तो 10.54, 160 × 10 = 160, 16 × 10 = 160 अप्रोक्स इतना ही आएगा निकल के। ठीक है शोरे, समझ गए? जब भी ऐसा कुछ आए ना, फर्स्ट डिजिट तक ले लिया करो। ठीक है, इसकी फर्स्ट तुम्हें करना क्या है, सिंपली इसकी फर्स्ट डिजिट तक मार्क कर लो। 3.24 मतलब 3.2 तक उठा लो। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? मैथ्स तो तुम का स्क्वायर अप्रोक्स कितना आएगा? देखो, 3 का 160 में, फिर 160 में ऐड करोगे तो अप्रोक्स उतना आएगा ना, 3.5 3.6 समथिंग आंसर। तो क्या ही आएगा, थोड़ा बहुत मैथ्स तो तुम्हें आती है, मैथ्स तो नहीं देगा वो, हटा दूं? देखो क्वेश्चन, LIH, हाँ गर्ल मिस्टेक, ये लो लिथियम का हाइड्राइड है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिथियम एंड हाइड्रोजन इज इन लिथियम हाइड्राइड इज 1.596। अब क्वेश्चन में बोला ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज दिस, एंड देन बोलते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखो यहाँ देखो, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग में बढ़ोगे, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय, यहाँ देखो तुक्के मत मारो, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। आयनिक करेक्टर होता है कितना उसमें, देखो बॉन्ड दो तरह के होते हैं, आयनिक और एक कोवेलेंट, कि कितने परसेंट उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट और कितना कोवेलेंट का करेक्टर आ गया, ऐसा होता है। मतलब उसने एक्सपेरिमेंट करके मेजर किया, इतना आया, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी फॉर्मूला लगा के तो कितना आएगा। फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, देखो अभी जब मैंने पढ़ाया तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे मैंने क्या कहा, बॉन्ड पोलर हो जाता है, एक भी पार्शियल नेगेटिव एक भी पार्शियल पॉजिटिव, यही आता है। तो जब पोलैरिटी डेवलप हो जाए बॉन्ड में कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाए मॉलिक्यूल में, तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर, उस बॉन्ड को पोलर बोलेंगे। तो वो जो पोलैरिटी जो हम मेजर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, उसके डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, क्यू इंटू। ठीक है, अब एल आई एच में लिथियम हाइड्राइड में लिथियम पे कितना चार्ज, प्लस वन, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन इंटू वन मतलब वन, वन ई। तो इसका कूलम में लेने के लिए क्या करोगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई, तो मतलब ये हो गया 1.6
और डिस्टेंस कितना है? 1.596 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10^-10 मीटर के। तो ये हो गया 1.596 इंटू 10^-10 मीटर। क्या ये बात समझ आई? 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10^-10 मीटर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 समथिंग ना। हाँ, इसको अप्रॉक्स सॉल्व करने के लिए 1.6 इंटू 1.5, 2.5 समथिंग। 1.596 को 1.6 कर लो राउंड ऑफ करके। 1.6 इंटू 1.6 1.44 के, ठीक है, 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मेरी मैथ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इनसे। 2.56 लिख लो, ठीक है। 10^-, अब देखो पावर ऐड हो जाती है, -19 -29 हो गया कूलम मीटर। यूनिट समझ आई? ये इसका क्या आ गया? कैलकुलेटेड, मतलब ये थियोरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल उसने दिया हुआ था। अब परसेंटेज निकालना है तो इसको 100% से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी का परसेंटेज निकालते हो तो 100% से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा बेटा वो कितना आएगा? 10^-29 डिवाइड बाय 2.56 इंटू 10^-29 इंटू 100% कितना निकल कर आएगा अप्रॉक्स? सी है आंसर। मैथ्स करनी आगे तो 76.8 समथिंग, 76.8%। तो आंसर क्या आ गया? वेरी गुड, बहुत लकी बच्चे हो। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक अच्छी बात बताऊं, जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना न्यूमेरिकल सारे जेएम में रिपीटेड हुए। मींस क्वेश्चन करो, हमें पूरा करना है पेपर। देखो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन अ कैल्शियम कार्बोनेट इफ इट्स 2 ग्राम रिक्वायर 2 ग्राम ऑफ H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब टोटल मिक्सचर 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वो है ना मेटल का कार्बोनेट है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यही पढ़ी है। अब देखो अगर मैं कहूं कि ये x ग्राम है, ठीक है, जब इसका x ग्राम लेट सपोज इसके y ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या रिएक्ट करना है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब टोटल मिक्सचर कितना था? 2 ग्राम, जिसमें से मैंने ये एक सपोज कर लिया तो ये कितना हो गया? 2-X, तो ये हो गया 2-X, और ये क्या हो गया? 2-Y, राइट, ये 2-Y। अब अगर मैं मोल्स के टर्म्स में बात करूं तो मैं कहूंगी इसका 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। स्टोइकोमेट्री ये कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी बराबर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मोलर मास जब तुम निकालोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो आएगा 84। देखो MgCO3 मैग्नीशियम इज 24, कार्बन इज 12, दिस इज टोटल 48, दिस इज टोटल 48, तो ये आएगा 84। सल्फर 32, H2SO4 का निकालोगे तो 2 + 32 + 64 98,
कैल्शियम कार्बोनेट का जब निकालोगे तो कितना आएगा? कैल्शियम होता है 40, 12 + 48, 100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहां पर मैं बात कर सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मतलब एक्स बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना? 84 मोल्स। ऐसे निकलते हैं ना मास पे मोलर मास। बेटा मास तो एक्स था ना, एक से एक तो एक्स ग्राम में भी तो मोल्स होंगे ना, तो एक्स बाय 84 कितने मोल्स? ये बराबर होंगे इसके वाई बाय 98 के, ये बराबर होंगे y by 98। बात समझ आई? बात समझ आई? इससे की इक्वेशन बन जाएगी, क्या इक्वेशन निकल आएगी? मतलब 98x बराबर 84y, इक्वेशन नंबर वन सपोज कर दूं। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मोल्स हो गए ना मैग्नीशियम कार्बोनेट के, बेटा देखो इसका एक मोल था, एक मोल से एक मोल रिएक्ट करता है, मतलब जितने इसके मोल होंगे उतने ही इसके मोल होंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कैसे निकलेंगे? मास एक्स ग्राम है, मोलर मास 84 ग्राम पर मोल है। हम इसलिए इक्वेशन पे जंप किए ना, हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके बराबर हो गए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने आ गए? x by 84, H2SO4 के मोल्स कितने आ गए? y by 98, तो बराबर हो गए ना। क्लियर है? सिमिलरली मैं कह सकती हूँ, नहीं अच्छा अब सही है, अब यहाँ पे भी यही लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि रेशियो वन है ना, मतलब जितने इसके मोल उतने ही इसके मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने आएंगे? 2 - x / 100, और इसके कितने आएंगे? 2 - y/, क्या ये बात में कोई कंफ्यूजन? तो सॉल्व कर ले इस इक्वेशन को, तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? 196 - 98x, 200 - 200 y, और 98x का वैल्यू 84y है ना, तो मतलब इसको जब सॉल्व करूंगी 196 - 84x 200 - 100y, तो यहां से सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? एक्स क्या वाई होगा, वाई होगा, रुक जाओ, ये वाई होगा ठीक, तो मतलब ये कितना आ गया? 16y बराबर 4, y विल बी इक्वल टू 1/4, ऐसा ही आया। तो y अगर 1/4 है तो x भी निकल सकता है। अरे वाई यहाँ 1/4 है, क्योंकि मुझे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज बताना है ना क्वेश्चन में, तो मुझे एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, मास पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको हटा दूँ, देखो तो एक्स की वैल्यू जब रखोगे वाई की वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 98x इज इक्वल्स टू 84 इनटू 1/4, 21/98, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, इनटू 100 क्यों करूं, मास निकाला अभी तक तो मैंने, तो मैं कह सकती हूँ ये मास मेरा किसका है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, MgCO3 का है, तो मुझे क्या निकालना था? टोटल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट किसके इक्वल? मास ऑफ MgCO3 इन मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर का मास 2 ग्राम इनटू 100% कर दोगे आप तो सॉल्व।
सिंपली 21/98 रखना, डिवाइड बाय 2 × 100%, तो आंसर निकल कर अप्रोक्स अप्रोक्स आ जाएगा 11%। कर लोगे अब तो सॉल्व? समझ आया क्वेश्चन? समझ आ गया? बहुत इजी है। आगे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक सेकंड के बता रही हूँ। मैथ्स कर से कर ले। क्या ऑप्शन सिखा दो? समझ गई? यही आया? बता रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, स्टेट निकालना है कार्बन एटम इन टॉलीन। देखो ये यहाँ देखो, ये होती है बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। पढ़ोगे कभी? रुक जाओ, कार्बन में सब पढ़ाएंगे तुम्हें। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कितनी हाइड्रोजन होती है? एक एक हाइड्रोजन होती है हर कार्बन पे, वैलेंसी चार होती है ना। देखो कार्बन के 1, 2, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो C6H6 ये बेंजीन होती है। अब मैं कहूं इसके साथ मैंने एक CH3 लगा दिया यहां, इसको बोल दिया जाता है टॉलीन। तो देखो यहां हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 6 कार्बन ये थे, एक वो कार्बन, तो C7। हाइड्रोजन कितनी है टोटल बताना? 8, 5 ये वाली, 3 वो वाली, तो C7H8 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो हाइड्रोजन हटेगी क्योंकि कार्बन के तो बॉन्ड 4 ही होते हैं ना, 1, 2, 3। हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो लगा पाओगे, 4 से 5 तो नहीं बना सकते ना कार्बन के बॉन्ड। क्लियर? मिथाइल ग्रुप है, क्लियर। अब इसके अंदर मुझे कार्बन का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कार्बन का निकालना है तो 7 कार्बन है पूरे में निकालने। अच्छा बाकी कार्बन एटम कहाँ है? अच्छा देखो इसको ना, एस मैंने ये जो डॉट होती है ना, ये कार्बन ही है। देखो ये ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ये ऐसा होता है। समझ गए? समझ गए? C7H8 7 कार्बन है, एक्स मान लो कार्बन की ऑक्सीडेशन 7X प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, मैंने रिडॉक्स में सिखाया है। तो एक्स की वैल्यू आई -8/7। लेकिन सुनो बात, सुनो यहाँ, उससे कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फुल कार्बन, ये तो एक कार्बन का है ना, फुल कार्बन कितने? 7। तो सबका ऐसे ले लो, ले सकते हो। तो टोटल कितना आ गया? -8/7 × दिस इज इक्वल्स टू माइनस, आंसर -8/7 ही लगा के आना। क्या बात समझ आई? कंफ्यूज, उसने कंफ्यूजन के लिए दोनों दिए, तुम दोनों लगाओगे? बहुत बच्चे -8/7 लगा के आए हैं। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन, O2 BTF6 में निकालना है, ये
यहाँ देखो, मेरी बात सुनो पहले। O2PTF6 जो होता है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लास 12th में सिखाएंगे, जहां पर एक मेटल और एक लीगेंड बॉन्ड कर लेते हैं। लीगेंड मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या एक्सेप्टिंग ग्रुप। तो जो मेटल और उस लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है उसे जो कंपाउंड बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चेक। अब देखो ये कुछ ऐसा होता है, तो इस कंपाउंड को अगर याद रखोगे ना, ये ऐसा होता है O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, मतलब O2 पे कैसा चार्ज? +1। तो O2 पे मैं लिख सकती हूँ O2 +1 है, तो ऑक्सीजन पे निकाल ले तो कितने ऑक्सीजन? 2। तो 2x टोटल किसके बराबर? x की वैल्यू +1/2। x की वैल्यू कितनी आई? +1/2। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में तुमसे प्लैटिनम का कर लेता तो प्लैटिनम को क्या मानते? x, 6 फ्लोरीन है और एक का -1, तो टोटल -1, तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाता? क्या बात समझ आई? सॉरी, प्लैटिनम पे कितना चार्ज आ जाता? +5। तो प्लैटिनम पे कितना? +5, और एक ऑक्सीजन पे कितना? +1/2। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन क्या आ गया? ये है ना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम करके जाएंगे अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन तुमने पढ़ा ना, वो भी रेजोनेंस का था, ये भी क्वेश्चन रेजोनेंस से पूछा उसने, ये भी जीओसी, ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि बीआर रेडिकल को अटैक करने के लिए हम कौन सा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करें? उसने ये एचए दी, एचबी दी, एचसी दी, एचडी। तुक्का नहीं, बिल्कुल भी तुक्का नहीं। देखो आंसर है ये, मैं बता रही हूँ ना, क्यों मैं हूं ना बताने के लिए, मैं बता रही हूँ ना बेटा। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहली बात उसने दिया बी आर रेडिकल, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा हो ना उसका मीनिंग होता है रेडिकल, फ्री रेडिकल। बी आर रेडिकल, ठीक है। अब देखो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। अगर मैं कहूँ ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज इसको बी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसमें अगर मैं कहूँ बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा, तो इससे बनेगा ई पॉजिटिव और बी नेगेटिव। जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस तरह की क्लीवेज को बोलते हैं हेटरोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेटरोलिटिक क्लीवेज। कैसी क्लीवेज होती है? हेटरोलिटिक क्लीवेज। बट अगर मैं कहूं ऐसा कुछ है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इससे क्या होगा? ईपी भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह की क्लीवेज को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। इससे जो ये बनता है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? तुमने आयन तो पढ़े ना, कटायन अनायन, ऊपर वाले तो तुम जानते हो, ये होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल, एंड दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये भी एक फ्री रेडिकल है। चेक। अब इतनी बात समझ आई? अब ये फ्री रेडिकल है तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। रीजन मैं बताती हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे रेडिकल, ठीक। अब ये रेडिकल है, देखो ना ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है ये रेडिकल,
मतलब अगर मैं कहूँ ये पाइप बोन ब्रेक हो जाए, ये ऐसे टूटेगा, तो मतलब ये जब टूटा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, और ये दो रेडिकल मिलके एक बॉन्ड नहीं बना सकते? दो रेडिकल मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड आ सकता है ना। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं रेडिकल ना डाल के यहाँ बॉन्ड लगा दूँ, वहां पे डबल बॉन्ड था ही नहीं। सिंगल थोड़ी तोड़ते हो, सिग्मा थोड़ी तोड़ते हो, पाई तोड़ते हैं। तो ये टूटेगा ना, ई तोड़ती तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता ना, और ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर पाता। तो उसने मार्क तो एचसी करके दिया था ना। हाँ हो सकता था, बट उसने एचसी मार्क करके दिया था। बात समझ आई? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बना रहा है। नहीं, हीलियम नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन। कंसिडर द मॉलिक्यूल्स हैविंग द C10H16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद इन दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। C10H16, हमसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हम निकालेंगे उसका डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन। मैंने एक वर्ड बोला, ध्यान से सुनना, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लिख लो। देखो इसकी जो निकलेगी आपकी बेटा, वो निकलेगी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये बराबर होती है, सुनो, नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय, एक ही फॉर्मूला होता है। चेक, कार्बन कितने हैं? 10। टू इंटू नंबर ऑफ कार्बन कर लेना है भाई। तो कार्बन 10 है, 10 × 2 प्लस 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 16, 17, ग्रुप 17। तो कितना आ गया निकालोगे? 22 − 16 मतलब 6/2, 3। लास्ट ग्रुप होता है इनर्ट गैस, तो 3 आ गया। इतनी बात समझ आई? मतलब 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ये होता है कुछ, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये ट्रिपल बॉन्ड है। एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है। दो पाई एक सिग्मा मतलब कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? 2। अब एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 4। बट हमारे कितने आने थे? तो ये तो गलत है पॉइंट। अगले चैप्टर में बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? या मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है? अब देखो एक रिंग, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 2 पाई। एक रिंग जो होती है हमेशा, अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास इस रिंग की, रिंग में भी कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है? 1। और एक ट्रिपल बॉन्ड में कितना? 2। तो टोटल यहाँ 3 हो गए। एक 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो मतलब इसका आंसर ये गलत है। ए, चेक, समझ आ गई? अगला क्वेश्चन देखो। विच मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट? प्लैटिनम। सिंपल आंसर इज प्लैटिनम है, नहीं प्लैटिनम। अरे प्लैटिनम यूज होती है हाइड्रोजनेशन में। तुम पढ़ोगे इसको कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, कहोगे ना जब तुम एल्कीन एल्काइन कि मुझे हाइड्रोजन ऐड करनी है, ऐसी रिएक्शन देखोगे। दिस इज इथीन, इसमें जब तुम हाइड्रोजन डालोगी, तुम वहां पर जो कैटलिस्ट लोगे वो लिख सकते हो निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये बहुत कॉमन कैटलिस्ट लिए जाते हैं। क्यों? इनकी सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब कराई जाती है,
एड्सॉर्ब। देखो ये मेटल सरफेस है, हाइड्रोजन गैस को इसके सरफेस के अंदर मतलब बल्क उसके अंदर घुस डाला जाता है, जिससे फिर मेटल्स उसके अंदर वो कंपाउंड लाके उसको रिएक्ट करा देते हैं। क्योंकि मेटल तुम्हें गैस को रिएक्शन करानी है ना, गैस का रिएक्शन हमें कोई ऐसा चीज लेना पड़ेगा जिस पे वो एड्सॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे फिर क्या बनता है, CH3 CH3। तो ये कैटलिस्ट कौन यूज करते हो, मेटल्स जनरली प्लैटिनम निकेल रेने निकल लिया जाता है बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल थियोरेटिकल था। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड क्या क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है एंड कलर्ड कंपाउंड बनाता है, यही बताना है। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो सी की टू सी आर टू ओ सेवन। देखो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड। देखो कैसे मैंने बोला, देखो Cr2O7 में क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2x माइनस 14 प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, +6। मतलब क्रोमियम +6 में है। क्रोमियम अगर आपका +6 में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन। क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या होती है, आर्गन 3d5 4s1। तुमने अगर 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए 3d5 4s1 वाले तो दे दिए, तो सिर्फ आर्गन रह गई, ये नोबल गैस है, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे ना। देखो मैंने पेयरिंग का क्या कहा, अब तुम ये पेयरिंग सुनो पहले, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा, ये 1s2 ये 2s2 ये 2p6 ये 3s2 ये 3p6। ठीक, मतलब दोनों है पेयरिंग, मतलब एक अपवर्ड स्पिन से दूसरा डाउनवर्ड स्पिन से, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब पेयर्ड है। अगर तुम इसकी बात करोगे VOSO4 की, V मतलब वेनिलियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X ऑक्सीजन का -2, SO4 का -2, सल्फेट होते हैं ना SO4 2-, तो -2 टोटल बराबर 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई। और यहाँ पे जब तुम वेनेडियम प्लस 4 की बात करोगे कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d1, यही होगा, हो गया ना। डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, पेयर थोड़ी है वो, मतलब इसका साथ क्या होगा। अगर मैं कहूँ इसको ऐसे बना सकती हूँ, आर्गन डी की मेरे पास 5 ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगली प्रेजेंट है, मतलब अनपेयर्ड है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। पैरा मैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं वो कैसे कंपाउंड बनाती है, कलर्ड कंपाउंड। तुम जब खुद कैलकुलेट करके देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा +4 निकलेगा ना, +4, तुम निकाल के देखना। क्वेश्चन में यही दिया है ना हमें, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होती है ना ट्रांजिशन मेटल, वो कलर कंपाउंड बनाते हैं, समझे। ये सारे जो कंपाउंड है ये डी ब्लॉक कंपाउंड है, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें जो बॉन्ड अभी मैंने बताया किसमें यूज होता है, मेटल विद लिगेंड। तो हम बेसिकली किसका निकालेंगे, मेटल एटम का, समझ गए। ट्रांजिशन मेटल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम खुद से निकाल के देखना, टाइटेनियम का और यहाँ पे किसका, कॉपर है ना मेटल,
तुम यहाँ देखोगे कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, कॉपर प्लस वन, कॉपर प्लस वन, कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s, कितना होता है आर्गन 3d10 4s1, तो कॉपर प्लस वन मतलब आर्गन 3d10, यहाँ पे इसकी डी कम्प्लीटली भरी है मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं है वहाँ। यहाँ जब टाइटेनियम का निकालोगे टाइटेनियम पे +4 चार्ज आ जाएगा, और टाइटेनियम +4 मतलब सिर्फ आर्गन, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है ना, तो वो भी पैरामैग्नेटिक हो गया। समझ गए ना, 3d2 भी पैरामैग्नेटिक, 3 भी पैरामैग्नेटिक, 4 भी पैरामैग्नेटिक, 5 भी। देखो ना, देखो देखो देखो, एक चीज बताती हूँ, तुम बोलते हो ना कि MnO4 किस कलर का होता है, कलर अच्छा होता है ना पर्पल इसका, इसमें मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, नहीं होता है ना, सोचना, सोचना जाके से, ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्लास में तुमसे ये पूछूंगी, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, फिर भी ये कलर है। मैंगनीज होता है, मैंगनीज होता है आर्गन 3d5 4s2, Mn+7 हो गया सिर्फ आर्गन, फिर भी ये कलर है, इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। बेटा आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तुम पढ़ोगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर आते हैं वो आते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। बस इतना याद रखना अभी कि पैरामैग्नेटिक है तो मतलब वो कलर कंपाउंड बनाएगा। कुछ होते हैं जैसे ये है, ये पैरामैग्नेटिक थोड़ी है, ये फिर भी कलर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ COH, क्या था HCOH, अभी बताया था मिथेनोइक एसिड, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, द गैसेस प्रोड्यूस्ड वर पास थ्रू COH सॉल्यूशन वेयर देयर वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 1/6। हमें बताना है रेशियो ऑफ टू एसिड्स इन द मिक्सचर। अब यहां देखो, अगर मैं बात करती हूँ HCOOH की, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मतलब पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। तो यहां से जब वाटर निकालोगे H2O क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब ऑक्सैलिक एसिड से H2C2O4 से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे क्या बनेगा, वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेट सपोज इसका वॉल्यूम है वाई और इसका वॉल्यूम है एक्स, ठीक है, हमने मान लिया, तो टोटल कितना वॉल्यूम निकला गैस का, 2x+y, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया, 2x+y। अब उसने कहा गैस प्रोड्यूस्ड जो है जब उसने क्यूबेस से पास की तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया 1/6, तो मैं कह सकती हूँ फाइनल जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हो गया, इस वॉल्यूम का 1/6, ये। अब उसने क्यूएच पे एडसॉर्प्शन भी कराई है, और हमेशा याद रखना क्यूएच पे सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडसॉर्ब होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
मतलब इसका वॉल्यूम इसके बराबर हो गया, तो मतलब मैं कह सकती हूँ x बराबर 1/2 × 2x + y। तो जब इसको सॉल्व करोगी क्या आएगा, सॉल्व करना, सॉरी 1/6 है, तो ये 1/6 है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 6x − 2x = y, तो y बराबर 4x आ गया। x को अगर मैं 1 रखूंगी तो y 4 हो जाएगा। When x = 1, y will be equal to 4। तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन में बताना था मिक्सचर रेशियो ऑफ एसिड्स, मतलब HCO में जो रेशियो C2O4 का रेशियो बताना है। क्या बताना है तुम्हें? रेशियो ऑफ HCOH डिवाइड बाय, अब H2C2O4 का रेशियो ये x आ रहा है, x की वैल्यू 1 और y कितना है 4, तो मतलब 4:1 हो गया। कोई दिक्कत? आंसर क्या आना है? क्लियर? क्वेश्चन समझ आया? अगले क्वेश्चन पे मूव करें, समझ आया? कितने क्वेश्चंस है? 20 होते हैं ना। क्वेश्चन कहते हैं हाइड्रोजन आटम में एनर्जी लेवल का ऑर्डर बताना है। देखो जरा, ए देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, और हाइड्रोजन में जो एनर्जी होती है वो फॉर्मूला होता है −13.6 × Z²/N², मतलब ये जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू पे। इस एन की वैल्यू, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चेक, तो हाइड्रोजन के केस में ऑर्डर क्या हो गया, 1s की सबसे कम, फिर 2s की बराबर 2p की, फिर 3s की बराबर 3p की बराबर 3d की, एंड फर्दर होती जाती है। तो आंसर क्या आना था, 3s बराबर 3p बराबर 3d, और उनके ज्यादा किससे है। क्लियर? समझ आया? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का केस है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में एन प्लस एल का रूल चलता है, अबाउ प्रिंसिपल। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस कराया, हाइड्रोजन में स्पेशल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में अबाउ प्रिंसिपल, एन प्लस एल प्रिंसिपल प्लस एजुमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताती एनर्जी को। ठीक है, हाँ बताओ। नेगेटिव है ना, नेगेटिव जितना कम उतना। डाउट क्लियर? क्वेश्चन कहा X3Y2 और यह E2B3, ये एक्वा सॉल्यूशन में जब मिक्स होते हैं तो ये रिएक्ट करके कलर दे देते हैं ब्राउन कलर। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो ये ईबी है बेटा, ये ध्यान से देखो बातें, नहीं कि ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, और तुमने जब ऑस्मोसिस पढ़ा तुमने वहां ये पढ़ा कि ऑस्मोसिस में हम क्या यूज कर रहे थे, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, और वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है सॉल्यूट को पास, बात हमें पता है ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से। अब सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन और X2Y3 और E2B3 दोनों सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है सॉलिड फॉर्म में, क्या ये यहां से यहाँ या ये यहां से यहाँ जाना चाहेगा, क्या ये पास होने देना चाहेगी? सॉलिड फॉर्म में वाटर के अंदर डिसॉल्व है ना, इनका सॉल्यूशन हो गया है, तो क्या ये जा पाएगा वहां या ये वहां जा पाएगा? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, अगर ये जा ही नहीं पाएंगे क्या रिएक्ट कर पाएंगे? अगर ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या ये ब्राउन कलर दे पाएंगे? तो आंसर क्या था? थोड़ा
इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में होंगे ना, एक्वस फॉर्म में जाके तो डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में, ये तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। बट इसने कहा रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस में तो रिएक्ट करते हैं, पर तुमने तो एक्वस तो बनाया ही नहीं इनके लिए अभी। क्लियर, बात समझ आई? इसने ये तो कहा कि जब ये रिएक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ब्राउन कलर देते हैं, बट हमने यहाँ पे X3Y2 लिया, यहाँ पे A2B3 लिया, हमने तो अभी उन्हें मिक्स करके रिएक्ट ही नहीं कराया। क्लियर हुई बात? चलो ये सिंगल करेक्ट खत्म, यहाँ शुरू होते हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखो, चार क्वेश्चंस है। एक से ज्यादा होते हैं, तुम तुक्के तो मत लगाओ बेटा। देखो क्वेश्चन क्या, श्योर तुम करो। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। द 0.01 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस हैज, पहली बात जरूरत ही नहीं है। देखो NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है ये मिलकर बना है NH4OH प्लस HCl से। ठीक, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना वीक बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनसे क्या बनेगा? NH4Cl प्लस वाटर। तो मतलब जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, मतलब ये जो है तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट है। क्या है? एसिडिक सॉल्ट। इतनी बात समझ आई? इतनी बात क्लियर है? अगर एसिडिक सॉल्ट है मतलब पीएच एसिड रेंज में होगी, पीएच होगी इसकी less than 7 कह सकती हूँ। अब पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। अगर पीएच less than 7 है तो पीओएच greater than 7 होगी, मतलब एक ऑप्शन तो मुझे यहां से पता लग गया ये। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? अगर एसिडिक है, बीइंग एसिडिक आई कैन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस greater than OH- एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस किसके बराबर होता है? -10^-14 ना, के डब्ल्यू आता है ना 14, वाटर, ये 10^-14। एंड यहां से मैं कह सकती हूँ अगर मेरा सॉल्ट एसिडिक है तो यहां पर क्या होगा? अगर मैंने कहा सॉल्ट एसिडिक है तो एसिडिक के लिए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस हमेशा क्या होगी? greater than 10^-7 मोलर, मतलब 10^-6 हो सकती है, -5, मतलब पीएच less than 7 आएगी, मतलब ये भी सही है, भी सही है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? जब भी सॉल्ट होता है ना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, कि सॉल्ट पानी के अंदर जाके वाटर से रिएक्ट कर जाता है और उसमें जो हाइड्रोलिसिस होती है सिर्फ कटायन की हाइड्रोलिसिस होती है, अनायन की नहीं। किसकी? कटायन। मतलब मैंने क्या कहा कि जब ये NH4Cl है, ये NH4+ और Cl- में ब्रेक होगा, सिर्फ कटायन वाटर के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या देगा? NH4OH+H+, कटायन हाइड्रोलाइज होता है, अनायन नहीं होता। इतनी बात क्लियर हुई? और ये सॉल्ट क्या है? ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा? वीक, वीक एसिड पड़े थे ना, मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। तो अगर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते तो क्या उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर आएगी? कम आएगी ना। अगर 0.01 मोलर NH4OH है
तो NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.01, मतलब ये भी सही है ये। ठीक है, Cl- नहीं आता, आयनाइज सिर्फ क्या होता है, कटायन। ये गलत है, आंसर क्या आना था, डन। चले, अच्छे क्वेश्चंस है ना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी इसके सारे के सॉल्यूशन वाले। ठीक है, रुक जाओ, पता है मुझे, पता है मुझे। क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ याद रखने वाली बात है इसमें, बता रही हूँ इसका सलूशन। देखो, क्वेश्चन ने पूछा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है कि किसमें एम्फोटेरिक दिखाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे। अब देखो, जो ये बियर प्रोसेस होती है, नॉट टॉकिंग, बियर प्रोसेस में एल्युमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, NaOH से, मतलब ये बेस, ये एसिड, ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनता है, क्या बनता है, सॉलिड। ये एक सॉल्ट बन जाता है, मतलब ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, ये एज अ बेस, तो बेयर प्रोसेस में एज एन एसिड वर्क कर रहा है। बट जब तुम ये हॉल्स प्रोसेस देखते हो तो ये Al2O3 किससे रिएक्ट करता है, Na2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। फिर ये किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड होती है ना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती है, विच इज एसिडिक। तो मतलब Al2O3 एसिड एज वेल एज बेस की से रिएक्शन करता है, मींस एम्फोटेरिक की तरह काम करता है, किस किस में, बेयर्स एंड, क्लियर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ए, और क्लियर। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होती है, मतलब उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए। और में क्या होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, गैंगो की फॉर्म में, कुछ पेबल्स होते हैं, तो वो हमें इम्प्योरिटी हटानी होती है, तो उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं। बॉक्साइट होता है ना एल्यूमिनियम का, और Al2O3, इसमें से कुछ इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। टेक्निक को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। मैं प्रोवाइड करा दूं नोट्स, समझ आ रहा है। मुझे बताना पड़ रहा है, मैं वही तो कह रही हूँ, थोड़ा सा तुम पढ़ लोगे ना, तुम कर लोगे। करें शुरू, अगला क्वेश्चन पे चले, हो गया शुरू, चलो। देखो, एज अ जनरल ट्रेंड, द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। देखो, इसने क्या कहा, हमें पता है अभी जो मैंने समझाया था कि टॉप टू बॉटम मूव करते तो आयनाइजेशन कम हो जाती है, ये समझाई थी इसने, वही बात बोली पहली लाइन में। आगे क्या कहता है, कीपिंग इन दिस ऑब्जर्वेशन इन माइंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन वन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के विद रिस्पेक्ट बताने हैं। अब देखो, ये दोनों सेम ग्रुप दे रखे हैं उसने, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं तो क्या होता है, ऊपर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यही होता है ग्रुप वन। मतलब ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड, ये हमारा होता है सिक्स पीरियड और ये होता है सेवेंथ पीरियड। चेक, इसमें भरा जाता है 6s से 6p तक, और 4f एंड 5d,
ही भरा जाता है? इसमें भरा जाता है 7s, 5s, 6d एंड 7d। जो फ्रेंशियम है ना, देखो एटॉमिक रेडियस नीचे बढ़ती है और आयनाइजेशन घटती है, आयनाइजेशन कम होती है, लेकिन इस फ्रेंशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसमें मोस्ट, हाँ मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि आयनाइजेशन सबसे कम होती है। बट याद रखना, फ्रेंशियम की सीजियम से ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात कौन सा सही हो गया? ये तो सही हो गया, पहला गलत हो गया। इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो, ये दोनों ग्रुप टू से आए हैं, ये दोनों ग्रुप टू से आए हैं। देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। अच्छा रेडियम भी है। अच्छा इसको ऊपर थोड़ा सा हटा लेते, रुक जाओ। ठीक, अब सही है। मतलब स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, अब ये सेकेंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सेम वही वाली बात है। मतलब नीचे आ रही थी, डिक्रीज कर रही थी, मतलब स्ट्रॉन्शियम की ज्यादा है बेरियम से, बट रेडियम की बढ़ जाती है, रेडियो एक्टिव होते हैं ना। तो आंसर क्या आया? स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियो एक्टिव, रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगती है यहाँ पे, हमेशा कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये भी सही है, ये गलत हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का पूछा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का पूछा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है। ठीक है बेटा, ये 5D मतलब यहाँ 4FP फिल होती है। ठीक है, 5D के साथ क्या फिल होती है? 4F, मतलब f ऑर्बिटल। तुमने पढ़ा था ना कि d और f का जो है पूर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पे शील्डिंग सिर्फ d के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, यहाँ d और f दोनों मिलके लगा रहे हैं शील्डिंग, तो इसीलिए साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। साइज कम हुआ तो आयनाइजेशन बढ़ गई, तो इसीलिए कॉपर के ज्यादा सिल्वर से, बट गोल्ड के ज्यादा किससे? सिल्वर से। कॉपर की ज्यादा सिल्वर से, बट गोल्ड के ज्यादा सिल्वर से। ये भी समझ आया? ये गलत हो गया। सिमिलरली, सिमिलरली जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यही होता है, यही होता है ना। ग्रुप कौन सा होता है? 12। ग्रुप 12 के ये एलिमेंट होते हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की ज्यादा होती है कैडमियम से, मर्क्यूरी की ज्यादा होती है कैडमियम से। मतलब क्या क्या सही है? सेकंड, फोर्थ, ये है ना, सेकंड, सिक्स्थ, मतलब बी और डी सही हो गए। क्वेश्चन कभी कभी, हाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, पार्शल थोड़ी है, देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, लास्ट क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, टू कंटेनर्स ईच कंटेनिंग वाटर इन लिक्विड स्टेट आर कनेक्टेड बाय अ वॉल वेज शोन इन द डायग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ये, मुझे नहीं लगता हर बच्चा करके आया होगा। देखो, दो कंटेनर है अलग अलग टेम्परेचर पे, इसमें एक्स वाले का इसने वीपर प्रेशर क्या दिया हुआ है? 22, और वाई का दिया हुआ है 40। प्रेशर की यूनिट होती है, हाँ
यहाँ सुनो। मैंने कहा ये दो सॉल्यूशन थे, इन्हें कनेक्ट किया एक ट्यूब से जिसके अंदर क्या लगा दी, वॉल्व लगा दी। अब उसने कहा जब ये वॉल्व खोल दी ना हमने तो क्या होगा, वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर कितना, 350, यहाँ कितना, 300, तो यहाँ वीपर बनेंगे। कहाँ ज्यादा बनेंगे, यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, एक चीज यहाँ पे वीपर प्रेशर भी तो हाई है, तो ये वीपर प्रेशर क्या होगा, हाई टू लो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो वाटर के वीपर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे कब तक जाएंगे, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, तो जो वाटर है वीपर्स का फ्लो होगा फ्रॉम वाई टू एक्स, और कहाँ पर मेंटेन होगा इक्विलिब्रियम, किसका घटेगा वीपर प्रेशर, इसका बढ़ेगा, एक वैल्यू आएगी ना जहां पे ग्रेटर देन 22 लेस देन 40, बात समझे। तो मैं कह सकती हूँ कि फाइनल प्रेशर जब वॉल्व ओपन की तो वो रिस्पेक्टिव टेम्परेचर में वो इक्वल होगा बट मोर देन, ये बात सही है। अब देखो यहां से यहां मूव कर रहा है तो मास यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, तो वाई का मास डिक्रीज, एक्स का मास इंक्रीज, तो क्या आना चाहिए, कहाँ डिक्रीज हुआ, बात समझ गए, समझ गए। तो ये आपका पेपर था, बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी था, मतलब मैं कह सकती हूँ इजी टू मॉडरेट, अगर तुम्हें आता है ना तो तुम इजीली, ठीक है, यू एंजॉयड द पीपल, मजा आया पढ़ के, कैसा लगा?